दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जालोर की रानीवाड़ा विधानसभा सीट जो पूरे राजस्थान में अपनी एक मजबूत पकड़ रखती है, साथ ही पूरे राजस्थान में जालोर की यह रानीवाड़ा विधानसभा सीट अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पूर्व विधायक अर्जुन सिंह देवड़ा की या फिर रतन देवासी की, तो दोस्तों रानीवाड़ा के यह पूर्व विधायक जब यह कार्यकाल में थे उस समय राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, या फिर दोस्तों बात कर लूं मैं वर्तमान विधायक नारायण सिंह देवल की, तो देवल भी वर्तमान में राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। यानी कि दोस्तों समझा जा सकता है कि रानीवाड़ा विधानसभा सीट की पूरे राजस्थान में क्या अहमियत है। दोस्तों पूरे जालोर की राजनीति का केंद्र मानी जाती है यह रानीवाड़ा विधानसभा सीट। नमस्कार, मैं अरविंद सुथार कागमाला, द मरुभूमि पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों मारवाड़ से जुड़ी तमाम राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए आज ही द मरुभूमि को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए। द मरुभूमि यूट्यूब चैनल बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और थोड़ी हमारी भी सहायता हो जाएगी। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जालोर के रानीवाड़ा विधानसभा सीट की कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए क्या समीकरण बैठ रहे हैं, कौन कौन अपने लिए चुनावी मैदान तैयार करने में जुटा है, या फिर आसान भाषा में आपसे कहूं तो कौन कौन यहां पर खिचड़ी पका रहा है और किसकी दाल गलेगी, आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे। इसलिए दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों बात करें वर्तमान की तो रानीवाड़ा विधानसभा सीट से जो वर्तमान विधायक है वह है बीजेपी के नारायण सिंह देवल। दोस्तों आपको बता दूं कि 2018 में नारायण सिंह देवल ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, वहीं उनके विपक्ष में थे कांग्रेस के रतन देवासी। दोस्तों नारायण सिंह देवल ने रतन देवासी को 3,405 वोटों से हराकर रानीवाड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। यानी कि दोस्तों 2013 व 2018 में उन्होंने बीजेपी से जीत दर्ज की है। दोस्तों यानी कि नारायण सिंह देवल लगातार दूसरी बार रानीवाड़ा विधानसभा सीट से एमएलए हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की, तो रानीवाड़ा विधानसभा सीट से आने वाले चुनाव में यानी कि 2023 में बीजेपी के पुख्ता टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं नारायण सिंह देवल। यानी कि 99% माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में भी रानीवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी नारायण सिंह देवल को ही टिकट देने जा रही है। वहीं दोस्तों अगर बात कांग्रेस की करें तो रानीवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो पक्के दावेदार हैं वह रतन देवासी माने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भी। दोस्तों रतन देवासी 2003 में पहली बार रानीवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा। दोस्तों सामने थे भाजपा से अर्जुन सिंह देवड़ा। दोस्तों इस चुनाव में रतन देवासी अर्जुन सिंह देवड़ा के सामने नहीं टिक पाए और उन्हें हारना पड़ा। दोस्तों इसके बाद 2008 में कांग्रेस आलाकमान ने फिर से रतन देवासी पर भरोसा जताया और उन्हें जालोर के रानीवाड़ा विधानसभा सीट से एक बार फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो अर्जुन सिंह देवड़ा थे उनका टिकट काट करके नारायण सिंह देवल को दिया गया। उसके बाद क्या था, अर्जुन सिंह देवड़ा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। दोस्तों ऐसे में जो जानकार हैं राजनीति की वह मान रहे हैं कि भाजपा के वोटों का बंटवारा हो गया और ऐसे में रतन देवासी ने बाजी मार ली और वह जीत गए यह चुनाव 2008 का। दोस्तों उसके बाद 2013 व 2018 में भी कांग्रेस ने रतन देवासी पर भरोसा जता करके उन्हें रानीवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिया, परंतु वे चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आलाकमान ने रतन देवासी पर भरोसा जता करके
दोस्तों जालोर सिरोही लोकसभा सीट का कांग्रेस उम्मीदवार बनाया, किंतु दोस्तों यह चुनाव भी रतन देवासी नहीं जीत पाए और बीजेपी ने यहां बाजी मार ली और कांग्रेस के रतन देवासी को हारना पड़ा। दोस्तों आपको बता दूं कि रतन देवासी अब तक 5 चुनाव लड़े हैं और उन 5 चुनावों में मात्र उन्होंने 1 चुनाव ही जीता है। दोस्तों फिर भी कांग्रेस का पूरा भरोसा रतन देवासी के साथ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी रानीवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं रतन देवासी, यानी कि यह पक्का माना जा रहा है पूरे तरीके से। जो समीकरण है रानीवाड़ा के वह यही बता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में भी कांग्रेस रानीवाड़ा विधानसभा सीट से रतन देवासी को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। दोस्तों यह तो हो गए रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वे प्रमुख नेता जो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में उतर सकते हैं बड़ी पार्टियों के टिकट के साथ। दोस्तों लगातार तीसरी बार रानीवाड़ा में हमें देवल वर्सेस देवासी चुनाव देखने को मिल सकता है, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में भी कांग्रेस और भाजपा रानीवाड़ा विधानसभा सीट से रतन देवासी बनाम नारायण सिंह देवल चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन नेताओं की जो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट पाने की होड़ में लग चुके हैं और अपनी पूर जोर तैयारियां कर रहे हैं रानीवाड़ा विधानसभा सीट से। दोस्तों इन नेताओं में जो सबसे पहला नाम है वह पहला नाम निकल करके सामने आता है कांग्रेस नेता परशुराम ढाका का। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से रानीवाड़ा की राजनीति में ढाका साहब काफी सक्रिय दिख रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों रानीवाड़ा में एक समारोह भी रखा था, उस समारोह के दौरान उन्होंने कांग्रेस के टिकट की मांग भी रखी थी लोगों के सामने। दोस्तों आपको बता दूं कि परशुराम ढाका पूर्व में रानीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष एवं जालोर युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों परशुराम ढाका को कांग्रेस टिकट देती है या फिर नहीं यह तो समय ही बताएगा, परंतु वर्तमान में ढाका साहब अपनी पूरी मेहनत एवं कोशिश से रानीवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट पाने में लगे हुए हैं। दोस्तों इसी कड़ी में जो दूसरा नाम आता है वह दूसरा नाम आता है कांग्रेस से ही डॉक्टर रमेश देवासी का। दोस्तों यह भी रानीवाड़ा विधानसभा सीट में काफ़ी सक्रिय माने जा रहे हैं, काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं कुछ दिनों से। दोस्तों कोई रैली हो कोई समारोह हो, आमतौर पर सामाजिक समारोह में जाकर के अपना जो लोगों के बीच में है जो अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं, उनका भी मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में रानीवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस उन्हें टिकट दे। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो जो कांग्रेस का जातीय समीकरण है रानीवाड़ा विधानसभा सीट में वह रतन देवासी के बाद डॉक्टर रमेश देवासी पर एकदम फिट बैठ रहा है। हो सकता है कांग्रेस इन्हें टिकट दे दे ताकि जो है रतन देवासी को कांग्रेस आगे भेज सके। रतन देवासी को अगर लोकसभा चुनाव के लिए रिजर्व रखा जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर रमेश देवासी जो है उन्हें टिकट दिया जा सकता है, कारण है देवासी समाज का वोट बैंक। दोस्तों इसी कड़ी में जो तीसरा नाम निकल करके सामने आ रहा है वह नाम है युवा नेता किशन चौधरी का। दोस्तों उद्यमी बताए जा रहे हैं जो वर्तमान में रानीवाड़ा विधानसभा सीट में काफी सक्रिय माने जा रहे हैं। दोस्तों लोगों के बीच जाना, उनकी समस्या जानना, और साथ ही आपको बता दूं कि खुद को किसान नेता मान रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पूर्व ही रानीवाड़ा में किसान रैली रखी गई थी, दोस्तों काफी ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे थे। दोस्तों यह भी रानीवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि उनकी जो मैंने उनका इंस्टाग्राम खंगाला या फिर रानीवाड़ा में देखा है, इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने कहीं पर भी वो देखे हैं, दोस्तों उसमें कहीं पर भी इन्होंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया है। हो सकता है अभी तक कोई पार्टी फिक्स ना हो या फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ने का विचार हो, लेकिन दोस्तों यह भी रानीवाड़ा राजनीति में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ नाम जो राजनेता आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में रानीवाड़ा विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। दोस्तों क्या होगा, किसे पार्टियां टिकट देगी वो भी
थोड़ा बहुत टाइम है, कुछ महीने बाकी है उसमें। लेकिन दोस्तों अभी से जो है उन राजनेताओं ने तैयारी शुरू कर ली है। दोस्तों अब आप अगर रानीवाड़ा में जाओ तो कई आपको यह राजनेता जरूर दिखेंगे। खैर दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। साथ ही दोस्तों मारवाड़ की जो राजनीति है उसे गहराइयों से जानने के लिए आप द मरुभूमि से जरूर जुड़िए। इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी रानीवाड़ा की राजनीति का थोड़ा अंदाजा हो जाए। दोस्तों जल्दी ही इसी प्रकार के और एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें। और हाँ एक बात तो भूल ही गया दोस्तों, आपके हिसाब से रानीवाड़ा का अगला विधायक कौन होना चाहिए या फिर किस पार्टी द्वारा किसे टिकट दिया जाना चाहिए, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।